बीबीपी शॉर्ट मूवीज। बेरानी घर ने खुला छोड़ के कड़े चल गई, न्यू नहीं क्यों यहाँ घर रह लू। जब तो मैं कोनी आऊं उस टाइम तो न्यू कहोगी घर ते बाहर रहे ईब खुद कोनी। हाँ तो गई दिख, आजा टेंशन आ गई। ना कुछ नहीं, या कौन है? या बेचारी घनी दुखी है, इसका हस्बैंड है ना इसे शहर में कितने हैं, हरिया उसने ढूंढना आ रही है, अनपढ़ है ना, गरीब है। तो मैंने सोचा मेरे के लिए चल आप इसकी मदद करांगे, और वो भी आपकी तो बोझा पहचान है ना पूरे शहर में, कितने ना कितने ना बेचारी का घर देख इतनी रोवत थी, जिसका पति मिल जाओगे इसका घर बस जाओगा। चल कोई बात ना, मैं कोशिश करूंगा भाई इसका पति इसने मिल जाए। कोशिश नहीं, आपने पक्का करना है, ठीक है ना? मेरे से इसका दुख देखा नहीं जाता, और मैंने सोचू हूँ जब तक वो नहीं मिलता ना आप इसने अपना घर ही रखांगे उरे। चलो ये तो तना बहुत अच्छा काम करया, बहुत बढ़िया काम करया, तू इसने घर ले आई। अच्छा रोटी खा ली आपने? रोटी के खाऊं था मैं तो तेरी बाट देखूं था। मैं भूल गई थी, मेरे बिना रोटी को नहीं खावा है। तू एक काम कर, तू बैठ, मैं चाह लिया हूँ सब कर लिया, बैठ जा, डरा ना, बैठ, इसने अपना घर ही समझ, ठीक है बैठ जा। बाप खातर है ना चाय ले आऊं, तेरे खातर भी लाऊं, ठीक है मैं आई। तू अड़े के करना आई है, हैं? तन तो मैं उड़ा छोड़ गया था, तू के लेन ना गी, फिर क्यों मेरी जिंदगी में जहर गोड़न लग रही है तू? मैं जदे तो तना पूरा कौन जाऊं था? फिर आप मेरे ता एक बार बता तो दें दे, ये सब की है? मैं के बताऊं तने, मैंने तो मेरे माँ बाप तब अच्छी तरह बताई थी कि मैंने इबे ब्याह कौन करना, और तेरे ते भी अच्छा भला कहूं था मैं, क्यों आई मेरा गला है? है तन्ने तो सोचनी चाहिए थी, मैं जदे तो ब्याह कौन करवाऊं था? आपने मेरे ते कौन ही बताई, एक बार बता दें दे, मैं खुद नाट जांदी इस ब्याह खातर। मैं कुकर बताऊं तने, मैं तेरा घरा बताने जांदा कि यह बात पर कम तक कम यूं तो कह देर माँ बाबू मैं थारी बुराई सेवा कर लूंगी, ये बुराया कहते के मिलेगा बता है? और देख यार मेरी है मजबूरी, क्योंकि मैं तो पहला ही इस गला रहने लग रहा हूँ। अब मैं क्या करूं, मैं गड़े डूब के मरूं, मेरी क्या गलती थी इन सब में? देख इभी कुछ नहीं बिगड़िया, तू सुन मेरी बात, घरा तो किसी ने बताई ना ये बात, और तू है नहीं जितने दिन उड़े रहना चाहे आराम से रह ले, ना घरा किसी से बताइए, और घरा माँ बाबू का किसी का भी फोन आओ जो कह दिए मैं बिल्कुल आराम से रहने लग रही हूँ, ठीक है? और सुन कविता तभी किमें ना बता दिए, ना तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, ठीक है? उस तो अपना बारे में किमें भी नहीं बता देगी, चुकरिया तन लिया ही है नहीं, न्यू है तू आराम तरह ले, जितने दिन रहना तना रह तू, ठीक है? तेरा सारा खर्चा मैं पुगाऊंगा, और देख किसी ने बेरा नहीं लगना चाहिए। हाँ के था तो चल गए ना, मैं तो पूछूंगा भाई तेरा हस्बैंड है कड़े तन छोड़ गया के सिस्टम था की सके। अच्छा मैं बोल दी कुछ खान का ही कौन चाय के साथ, मैं बेचारी भूखी होगी ना, तो एक खातर रोटी बना देना तू, है चाग लगे खुआओगी इसने बता, कोई बात ना, या तो तू उड़ते ले आकर खुआ दे यार, मेरे तो मैं तो हार थक रहा हूँ तकड़ा। ठीक है ठीक है मेरे साथ आ जा, ठीक है इसमें ले जाओ उड़े, आ जा। हे भगवान ये मेरे तक क्या हो गया, ये घर क्या ना बताऊं तो मर गया और बताऊं तो मर गया, ठीक है जो कर चल रहा है नहीं चालने दो, इसमें सबकी भलाई है। मेरे गले इतना बुरा क्यों करया, इसे जोगी को नहीं छोड़ी मैं तो, ना तो सासरे की रही और ना मायके की, ऐसा दिन दिखा दिया तने मेरे ते, अब मैं क्या करूं कड़े जाऊं। बबीता एक तने नो बेराई हो शहर है, और उ रहना कुछ भी फ्री में ना मिलता, जो पानी पीवाना है वो भी मोल मिला है, और तने कितने दिन खाना दिया बेबी बैठ के, थोड़ा बहुत घर का काम करवा दिया कर, कम तो कम ये दो रोटी खा है उसका तो कर्जा हटागा तेरे सर ते, समझे तू? हाँ अब जो कहोगे मैं वो करूंगी,
हाँ मैं तेरे मन हूँ, तेरे दुख से उस चीज में मैं भी समझू, पर मैं तेरी इतनी मदद कर सकूँ, तेरे इस घर में रहने दे रही हूँ, ठीक है? पर देख घर बैठ के तो मैं भी नहीं खो सकती, ठीक है? हम भी मेहनत कर कर कमाओ। हाँ कोई बात नहीं, आपने जो मेरे खातिर करिया वो बहुत बड़ा एहसान है आपका, और मैं सारा काम कर दूंगी घर का। देख ले ताकि मैं अपने हस्बैंड ने यू तो बोल सकूं मैं कि इन दो टाइम की रोटी दूं, उसके बदले का काम करना रही है। कल ऐसा कोई बात ना हो जाए कि वो मैंने मजबूरन 33 घर तक निकालना पड़ा ना, मैं इस घर का सारा काम कर दूंगी। ठीक है काम कर तू, है ना, खाना बना ले और कपड़े धो लिए। ठीक है अगर किसे की अगली दिखाऊ ना तो पहुंचा पकड़ के बैठ जाए, अगर खुद ने सारा माड़ी चाहिए थी अगले में आई हूँ तो काम करवा दो, कम से कम मेरा सारा तो भी हो, दो रोटियाँ आती है। अरे कविता हाँ याद है क्या था पहुंचा के लगा थी, इसके पहले तू खो रहे अच्छी आ रही है। अच्छा आती ही तो लगा, दो तीन दिन हो गया ही ना, पर थोड़ा बहुत काम कर ही ना तो जी लग गया रहा होगा इसका, जी के लग गया रहा होगा इसने, यार बिठा के रोटी कौन दे इसका तुरंत है बिठा के, या कोई मेरी रिश्तेदारी को नहीं कुछ को ना, इतना शुक्र रह गया मैं इसने ले आई अपने घर पे। यार मैं कमाने लग रही हूं नहीं, तेरे की दिक्कत है, आप मेरे लिए कमाओ किस लिए? अरे तो की बात होगी, या दुखी है तो रहने दो ना, वो टेंशन मेरी है और ये हम दोनों का मामला है, बीच में ना बोलो, ठीक है? आपका काम ऑफिस का, आप ऑफिस तक रहो, या फिर आपने कोई नौकरानी जरूरी होगी मेरे से ज्यादा। की बोलने लग रही है यार तू? वही जो मैं देखकर लग रही हूँ। दीदी आप मेरी वजह से लड़ाई ना करो। अच्छी पागल बात कर रहे हैं यार, करवाने दो करवाओ। ये मेरे हस्बैंड है राज जी ने, है ना, तेरी मेयर लेकर मेरे दिल से इतनी ठेस पहुंचाई है ना। दीदी इसी बात को नहीं, मेरी वजह से आप दोनों की लड़ाई करो, अगर आप कहोगे तो मैं आज इस घर से चली जाएंगी, अपने उन्हें तो खो चुकी हूँ, आप क्यों मेरी वजह से इनके गला लड़ाई करो ना। पर मैं भी मजबूर हूँ क्योंकि ये सवेरे लिखना घर तक बार सारा दिन है ना कमावे है, हाँ वो दो दो रुपये में बचा बचा कर घर खड़ा करा हमने, दो दो रुपये बचा बचा कर मैं अपनी आने वाली औलाद खतर जोड़ूंगा, तू समझ है मेरी बात? देख कर ले काम, उसमें हमने आप समझा दें, मैंने पता है मेरे तो ज़्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकता, बहुत ज़्यादा प्यार करना है, और इतनी तो होती रही देखा फोन भी आ गया जाते, चल तो पहुँचा लगा ले मैं सुन लूँ। पानी हाँ एक घंटा ला दे, बिरान की रुक गया है तो काम और भी तो जा है, डांगराला कर सारा, और इसमें मच्छर गिर ले देख लेंगे आते हैं, इसका गिरा है मैं गिर के ना ले आई, ठीक है सारी अनखाऊ पड़ू ना रखा करो, तो बैठ जा, अरे बैठ जा नाले पे, मैं तो बैठी हूं, यो पानी पी लियो, अब वो थोड़ा भी ना सीरी कि मैं सारा लुवा दे या दूर तक ही खोदनी है, डटोगे आप पड़ गीत गांदे रहियो मेरी ना सुन लियो तुम। हां बता के कह है, ओ छोरन गए ने कह दिन हो गए कोई फोन फान भी को नहीं आया, फिर ये बात होगी बालक से भूल गया होगा, बस ठीक से वो तो बालक से अपन तो कोनी ना बालक, फोन मिलाओ छोरा कने पर बहु ने भी के बेरा किस चीज का ज्ञान से शहर में पहली बार गई है वा, अरे वो तो बात ठीक से तेरी चिंता तो ए जा से मान तो घणी हो जाए भाई, हां तो बस फिर फोन मिला ले बात करवा दे मेरी छोरे तेरे बहु तो दोनों तो बात करूंगी। ले घंटी जा कर ले बात बाबू। हेलो हेलो मंदीप, नमस्ते माँ। नमस्ते बेटा नमस्ते, ठीक से? ठीक है माँ, हम सुनाओ ठीक हो सारे? हाँ ठीक सा, मेरे बाबू सब बढ़िया है, हमारे के हुआ था दाऊ तेरा बाबू काम लग रहा है खाना बनाने लग रहा है, नू बता बबीता तो बात करवा देना है कित से वा, बबीता ना कि मैं माँ गले लेके थोड़ी आऊंगा, वो तो घर है मैं ऑफिस में आ रहा हूँ। ओहो अरे फोन भी ना करे नू का जाके तीन दिन हो लिए, सुन गई होगी तेरे बाबू के वैसा है, फिर बताऊंगा तने बेरा ही नहीं उराया बाद में, तो फिर मेरा ऑफिस का काम हो जाए है सारी बर्डन मेरा ऊपर ही आ जाए माँ, तने बेरा तो है
बेटा मानू सु सारी बात मैं तेरी, फिर भी नू कहूँ सुधे उस बबीता का ध्यान रखिए, वह पहली बार गई सै गांव की रेडी है वह। माँ तू चिंता ना करे, उसका ध्यान मैं आप पे रख दूंगा। हाँ चिंता तो ले, हो ही जावे सै के करूँ, टाइम तक घर ने चल जाया कर सांझ ने। ठीक है माँ, ले करना ही पड़ेगा, काम करके जाऊंगा। तेरे बाबू तभी बात कर ले, लिया करवा फिर। मनदीप नमस्ते बाबू। नमस्ते, ठीक से बेटा? हाँ ठीक हूँ बाबू, तू इतना काम ज्यादा करे रहे हैं। अरे क्या हो गया फिर, मेरा के बिगड़ रहा है बेटा, ये नलिया साफ करना था, वो छोरा आया कौन नहीं आज सीरी, वहाँ मैं बैठा बैठा कर दूँ सारी साफ। अरे एक दिन बदल क्यों दुखी होया बता। अरे किम में दिक्कत को नहीं बेटा, इब चल रहे मेरे आठ गोडे। फिर भी बाबू रहने दे, कर आपे कर लेंगे करने वाले। नुकू हूँ मैं। हाँ भाई बबीता बेटा ठीक से न? हाँ बाबू सारे ठीक है जमा। चलो बहुत बढ़िया, ध्यान रखिए भाई खान पीन का। हाँ कोई बात नहीं बाबू, रखूंगा थाम के। हाँ सुन गया ना, अरे क्यों नहीं नहीं गई बेचारी का अम्मा मरोड़ी से, उनने शहर का बेरा कौन भाई, कौन की डाल बोल लिया रे, कौन की डाल चल लिया रे। ठीक है बाबू, तो यो के काम आओगा, यो सिखा देगा उसने। ओहो सिखाओ तो गाय, और कौन सिखाओगा। हाँ चल ठीक से बेटा है। ठीक है बाबू। हाँ ऑफिस में आ रहा हूँ ना। हाँ ऑफिस में आ रहा हूँ। ठीक से बेटा कर ले काम। ठीक है बाबू, भगवान खुश रखे मेरा बेटा, बने रहो ठीक से। ठीक है, तुम भी अच्छी बात करो सोचे, उसने पहला ही कह दिया ऑफिस में सुनू का, ऑफिस में आ रहा है कि। अरे बुझनी तो पड़े से बालक पा, के बात होगी। लो थोड़ी सी बात होगी, जब मन में शांति सी होगी, तसल्ली होगी कि भाई हाँ ठीक से। चलो एक ग्लास ले जा और रोटी बनवा लिए। कितनी देर हम खाओगे? ये बुलाऊं आधा घंटा जो टावर मारू हूं यो, थोड़ा रह रहा है। ठीक से कर लूं साफ। ठीक से ना? ठीक है। हां गड्डी बना लिए लासी हो तो कल वाली। आहो ठीक से। के बात सुनी हुए बैठे रहो खिजाड़े। तो के करूं, वो छोरी का चाल पूछा कितने दिन हो गए गई ने। हां या बात तो ठीक कह दो। ठीक को नहीं कहूं तू, आप तो कंधा को नहीं, तने तो सोचते है को नहीं। अरे सोच तो है मगर मां तू ही कह दे। अच्छा मेरी बात देखा था और तेरी मैं छोरी को नहीं मैं न्यू चालू और तो फिर तू गल पड़ा मेरे बोले चाल पड़े तिगना ठाके के मैं को नहीं पड़ाऊं। ठीक से ना वो छोरी का हाल चाल पूछा जाके कोने ही कह दिया ने लीव जाऊंगा। हां ठीक से जा थोड़ा जा राजी खुशी है ना चिंता करा चाहे बढ़िया फिर भी मास हूँ। माँ तो है समझण है सगा बहुत बढ़िया आदमी है बहुत खुशी हूँ रखा टाबर ने मेरा कर्जा को नहीं मानता। ठीक से चलो तेरा ना मानना तो मैं जाऊंगा। ठीक है जाया ही बजाऊ के तम जाया तैयार तू रो लियो मैं इतना तार खाता रोटी राटी बना दी। हाँ यो काम कर ले मैं नहा धो कर लियो। ठीक है तम ना लियो। ठीक है फिर। ठीक है ला दे चौके चौके लाम तो लाग रही हूँ। ये दाते भी कैसे रहते मान लो फुटड़े छोड़ने लगे कह बार कह ली फिर लगा दो मने के क्यों हो खुद ने तो कि मैं काम दिखता को ना ऐसा ही हां तन्ने दिखा सारा और कौन बार का के करा है। बार का की करा है तड़के उठ के लागू 4 बजे तेरे के ली फिर लागना तो रात हो गया है फिर लागना तो पड़ेगा और दूसरा होगा कोई दिमाग खराब कर रखा है। हां वो भी मैं ही करूं हूं। ठीक से ला दे अच्छे अच्छे डीजल खत्म हो गया था। अरे हाथी टोकी की देते बेरन की फेंक रखी थी। अरे ला की फिर मैं अरे तो काटना पड़ेगा खड़े बतला दे रहे हो कितने बैठ के भी बतलाओगे। अच्छा चल लिया तू इतना पानी लिया हम उड़े बैठे बतलाओ तुम उतना बैठ के। आजा चौधरी साहब बैठो और सुनाओ घर परिवार राजी सारा। हाँ ठीक है जी सारा खूब बहुत बढ़िया। और ठीक है परिवार सारा। हाँ मौज में बिल्कुल चलो चलो। हाँ बढ़िया। अरे ले आओ दी पानी कितने की नू देर ला दे तेरी चौधरी तो बिराने के हो रहा है कोई ना ले आओगे नू कौन देख बाग और लगा रखे हो। ले आओ जी ले आओ जी ले आओ जी बाग के इब कल ये जो है ना आंधी आई थी ना उस दिन भूचाल ये टूट गई थी अच्छा। फिर भी मैंने लट बांध दिया फिर भी देख लो बेर देख लो खूब उतरे हैं ना ना बढ़िया है। और इन्हें बिना देखने कौन पड़े टाबर खा ले वै। और के ना ना सही है जी खेत का ये तो सूखो है डाने का देखो नींबू से माल्टे से सारी ये जमण हो जाएगी आगे हमें लो पानी लो बस मैंने तो ये पिया था गंडा सा चला गया जुकाम बन जाएगा दोनों एक से हो रहे हो कि मैं हल्के हो जाओगे।
अड़के तो होली है, अगले दिन हम मोवांगे। एक बात बताऊं तो मैं ठाली तो ये भी कोनी रेवा है, पर वही बात से अपना वाली पी बनाओ अनु सोचे मैं मेरी क्या तो बताऊं। ठीक बात से बबीता कौन दिखती? बबीता? बबीता तो गई शहर में मनदीप का गली। कद है उसे दिन गाल दी थी मैंने गली। अच्छा हां चलो ठीक है, लेट अबर अफसर दोनों भाई घूमते फिरते रहेंगे बालक। मंजी करा दे बाड़ा आ जाएंगे शहर में भाई, उसकी ड्यूटी सही। ठीक है, सही बात है जी। रोटी पानी वाले कपड़े लत्ता की दिक्कत को नहीं होगा? दिक्कत को नहीं होगा, मेन चीज तो यह है। बिल्कुल बिल्कुल, गुआ तो टिफिन टापन मंगाओ है और गुआ होटल वाटल पे खाओ तो ये खाना पीना मिला है। ना ना अपना घर का खाना होगा। सही तो घर का ये मैं बनाओगी दाउसर, अपना दाउसर खाओगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है जी। लगन वाली काम तो शहर का रह गया उनका, तो सर्विस कर शहर में रहना पड़ा, मकान भी तड़का शहर में बनाने पड़ा। बात बंद करो, तारी बात खत्म को नहीं हुआ ना मेरा ना दिमाग में एक बात आओ है। बता करो चौधरी आ तो रहे हैं और तुम दोनों चले जाओ सर में। हाँ यह बात ठीक है तो। हाँ ये अपनी छोरी तो मिल आओगे और तुम छोरे तो मिल आइयो। एक काम करा फिर उन बतावा को फोन फान ना करा अच्छा लग जाए। हाँ सरप्राइज देवा। ओके बोल रहे माँ बाप ने वो सरप्राइज दे प्राइज कल तम ही सरप्राइज बस दोनों के फिर मेरे वो कुर्ते पजामे काट देने। हाँ ले आते चौधरी के चाह पानी की मैं चाह उड़ाई पीवांगे। चलो जी खुश हो जाएगा, माँ बाप मिलना है। ठीक है चलो कपड़े बदल लो। कपड़े बदल लो। ठीक है ठीक है, ये ले जाओ। लो ये थोड़े ले चलते, कोई नहीं ले चलेंगे उड़े भी और ले लेंगे बाजार में तो और ले लेंगे सामान तो इसमें क्या काम चल रहा है फिर। चौधरी साहब हाँ जी आ जाओ देख लो। चलो कितना बढ़िया मकान बना रखे मेरे बेटे ने। मकान तो बढ़िया बना रखे है। हाँ आ जाओ संदीप शहर में रह सर्विस ला बुढ़ा ये तो फायदा हुआ फिर है। और के और संदीप को हाँ बेटा बाबू। हाँ पंडित है बेटा, क्या बात नहीं कुकर तो हाँ रोई क्या नहीं ये बेटा ये मेरे बेटे का घर बहू का घर से मनी साहब है तारा गलत फहमी होगी। और देखो तारी उम्र का लिहाज रख रही हूँ मैं, नहीं मैं धक्के देकर बाहर काटूंगी। यो मेरा और मेरे हस्बैंड का घर है। दीदी कौन है या बाबू एक मिनट ठीक है समझा दे और जल्दी मेरे घर से बाहर कर। यो ना था सम थोड़ा है कि कोई भी मुंह उठा कर जाओ यहाँ पे किसी बात करे कौन है जल्दी करो। किसी के बात होगी बेटा मैंने बताओ ने और रो क्यों हो तू जब मामा आवा थे नहीं घर में वो ही दोनों रवे हैं। या तो मैंने धोखा तो लिया इसमें कौन बेरा था कि मेरा बयान की गल्ला हो रहा है। चौधरी साहब के करना फिर बता बाबू कुछ को नहीं करना। क्यों बेटा जिसे पैर आए होनी उसे पैर उल्टे चले जाओ और घर आके से ना कुछ ना बताइयो। ए बेटा मानो कुकर बक जावा तेरे पापा टूट रहा है ए और हम नहीं चले जावा मानो कौन जाए सा तुमने मेरा नेम लागे जे मन अपनी बेटी मान दे होनी तो घर माते कुछ भी ना बताइयो। तो बेटी मानने के है बेटी तो फिर इसमें न्यूत छोड़ के कौन जाए जा एक तो सारा करना पड़ेगा निचोड़ काट के करना पड़ा बात का कुकर के बात है बस जो
भगवान ने लिख दिया मेरे कर्म में, वो ही होना था। तो इतना माड़ा लिख दिया कि भगवान ने तेरे कर्म में। तो बेटा नू कितने दिन तक पार पड़ेगी? नू तो देख के मेरा कौन से कितकी है, किस खानदान की है। ना बाबू कदे ना कदे सब ठीक हो जाएगा, बस भगवान पे छोड़ दो सारी बात। ना ना नहीं भगवान तक छोड़ा ना, तो सारा निचोड़ काट गए और फिर जावांगे रे। ना ना नहीं रोन दिन छोड़े क्यों कर जवानी था। ना ना सिर तो रात रात से किमे करा चाहे चौधरी साहब एक बार बोड़ी एक बार ले बेटी की मान ले। नहीं मान तो ले हां इस बार भी मेरा आज होगा छूट के जावांगे, बात का पतंगड़ बन जाएगा। थोड़ा टाइम देवा बिटिया ने और जो होगी वो भगवान ने मालिक होगा वो होगी। बाबू सबकी भलाई सुनाई है कि सब चुप रहो। ठीक है बेटा कोई बात नहीं, हम तो बहुत खुश हो गया है। खुश हो गए थे देख के, खुशी में आए थे, राग के में पाया। आ जाओ थोड़ी साहब। ठीक है बेटा अपना ध्यान रखी और जाननी आने बद्दुआ तो देगी ना हूँ से, लेकिन बेटा ये तो चल लगाई। बस बाबू रो ना, जो मेरे कर्म में है वो तो होके ही रहेगा। कोई नहीं बेटा तेरे कर्म माड़े थे हमारे थे, इलाज कोने ने ठीक ठाक रही है फिर है। कोई नहीं पांच चार दिन में और दूसरा गेड़ा मारांगे दिखाना। चौधरी ने बताऊंगा तेरे सासु ने बताऊंगा कि मैं तेरा घर लाएंगे बेटा, चिंता ना करो। आ जा चौधरी साहब चलो। कविता पानी जा दे। लो के बाद किसी टेंशन में हो रहे हो? टेंशन की ना पूछा यार, दिमाग खराब हो गया आज तो जमा। क्यों हो गया? के हो गया यार, हिसाब में सीधा यार 8-9 लाख रुपए गड़बड़ी आने लग रही है। मेरे न्यू नहीं समझ में आया वो हिसाब में गड़बड़ी हुई तो हुई कुकर। 8-9 लाख की? हाँ अरे मालिक न्यू कहने लग रहा है, देख भाई चाहे तो 5-7 दिन में अपना प्रॉपर हिसाब दे दे, ठीक है ना? तो भाई पुलिस केस करूंगा। ले फिर आप कह नहीं सकते इसमें मेरा के? देख यार बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे जैसे छोटे वर्कर आगे कोई हिसाब को नहीं, लेकिन मैं तो एक अकाउंटेंट हूँ, अगर गड़बड़ी मेरता हुई है तो हिसाब प्रॉपर मने देना पड़ेगा। तो फिर अब आप क्या करोगे, क्या सोचा आपने? सोचा क्या है देख, मैं तो नहीं सोचू हूँ, हिसाब तो जब मिलेगा अपने पीछे के फिर उल्टे आ ही जावे, ठीक है, लेकिन कुछ तो मैं पीछे करूँगा और कुछ तेरा बाबू पर पूछ ले यार 5-4 लाख रुपये। तू पागल तो नहीं हो? 5-4 लाख है मैं 5-4 हजार को ना। अरे तो क्या बात होगी, मैं थोड़ी थोड़ी करके दे दूंगा यार तेरा बाबू के, ये अपना मुसीबत है। ये मैं आपकी जिम्मेवारी हूँ उनकी ना, और वे क्यों देवेंगे, गड़बड़ आप तो ही है उन तक नहीं हुई तो। यार तू किसी बात करने लग रही है यार, एक बात होता जे तू एक बार जा कह तेरे बाबू पे फोन करके या बात कह देगी माने एक बार जरूर तेरे बाद में उल्टे दे देंगे, तो यार जेल तो अच्छी बात है कि मैं थोड़े थोड़े करके उनके लौटा दूंगा ना। किसी और तो ले लो ना, मैं अपने ईगो ने हर्ट को नहीं होने दूंगा। और मैं कौन सा न्यू कहूं यार तेरे बाबू के पीछे खा के मरूंगा मैं देऊंगा उल्टे, बस ये थोड़े दिन की बात है यार, जब पुलिस केस हो गया नहीं मेरी बेइज्जती हो जाएगी और तू किसका सहारे रहोगी। तन अपनी इज्जत पे रही मेरी को ना, मेरे से ना होगा ठीक है, तेरे से गड़बड़ हुई है तो तू हैंडल कर, मेरे से कोई उम्मीद रखना, समझ गए? देख इन्हें के समझी थी और या के पाई, मेरी खुशी में तो हर टाइम ही इसने खुश रखे करता मैं, और आज जब मैं दुखी हूँ बीच मजदार में छोड़ के चाल गई और न्यू बोली मेरे बस की बात को नहीं, मैं ईगो हट को नहीं करूँ अपनी ईगो ही रैली, मैं जेड़ में जाऊँ उसका कुछ को नहीं। तू के लेने खतरा ही है क्यों मेरा पहला ही? मैं कुछ को नहीं कहूँ, मैं सिर्फ इतना कहूँ हूँ कि आप उदास मत हो, मेरे दौरे एक दो टूम पड़ी है बैग में जो मैं घर से ले आई थी छोटी मोटी, कि मेरे 1-1.5 लाख तो उसका बट जाएगा और मैं बाबू से बात करूँगी, आप टेंशन मत लो। यार तू क्यों करेगी बाबू से बात है? क्यों ना करूँ, आपके सिवा अड़े है कौन मेरा, और वो भी चे कुकरे हो मेरे पति हो आप। यार मैं तने इतना दुखी रखने लग रही है और तू फिर भी मेरे बारे में सोचने लग रही है, ऐसी कोई बात को नहीं। देखो आपकी जिंदगी है ना बहुत अनमोल है मेरे खातर, आपको नहीं समझते इस बात ने, आप चाहे कुछ भी करो लेकिन मेरी जिंदगी में आपके अलावा कोई और को नहीं, आप चिंता ना करो मैं बाबू से बात करूंगी और कोई ना कोई हल जरूर निकल जाएगा। कितनी चाहिए आपने? 8 लाख की बात है ना, अगर मैं कहूंगी तो बाबू किला बेच देगा। यार तू क्यों बिकवाओगी किला बता, आप तो बटके हैं के किले, आप ही नहीं रहोगे तो मेरे पास के है के, तू तो सोचो की बात चल रही हो। अरे इसका हाथ कैसे पकड़ा था? बस
अपने आदमी तो खो बैठी ये मेरे आदमी पर नजर डाली है मंदिर दी रहना है ना आसरा दिया था अपने घर में पर तू तो वो ना बिगड़ी कि मेरे घर दूध पीना और मेरी जिंदगी चुप हो जा बहुत सुन दी तेरी बकबक समझ में आ गई बात या और कोई कोनी या मेरी खुद की पत्नी है जिसका गला मैंने सात फेरे ले रखे है समझी बात और वो मैं ही हूँ कमीने इंसान जो इसने मैं बीच रास्ता में छोड़ कर आ गया था सिर्फ तेरा खातर और तू तू इतनी घटिया लिखड़ी कि आज मेरे पर मुसीबत पड़ गई आज तने फट दी नाटकी या मेरी पत्नी है तू के है कोनी आई इतना ये उधर मन बताई थी ने मैं बताऊंगा तने सारी बात मेरा तो यूज होया है ना फेरे के यूज होया है तेरा अपने फायदे के लिए मेरे दिमाग लिया अच्छा अरे इब इब मेरी खुशी में तो खुश रहेगी आज मेरा दुख में गला कौन रही तू के बात है आज यही मेरा साथ देने लाग रही है जिसने मैं बेचारी ने घर में नौकरानी बनाने लाग रही हूँ अरे वो तो शुक्र है मेरा बाप मेरे दौरा पहुंच गया कोई बात नहीं चौधरी साहब चिंता ना करे अभी मिल की चल लेंगे चेहरा तो जियो आओ तो इस रास्ते पर गया जागा कीते आओ तो गा और चिंता भी है देख कितना बड़ा काम हो गया और बताई कौन थोड़ी घनी कड़दल काट दिया इतना माड़ा छोरा तो कौन लागा था नहीं ये मेरा बटा आजकल शहर में नहीं आयो तो है रोक भाई रे तेरी बाट में बैठे हम बाबू हम कद आए बाबू नमस्ते बाबू अरे हम तो कद आए ना आए हुआ बात जान दे तू क्या बात है बाबू इसे गंदे काम करया करे हैं घर ना जाए हम और दूसरी कौन राख रखी तने गत्ता काट दिए धक्के मार के काट दियो ना हमें बाबू अरे अरे जो तेरे के लिए फेरे लेके आई थी वो तो नौकरानी बना रखी घर की डूब की मर जा मन ऐसा लगे तू मेरी औलाद को नहीं बाबू की मैं कह ले मेरे तो गलती होगी और मैं क्या करूं मैं कड़ियां जोगा कौन बचा नू में जदा के मना सर मैं नौकरी करने खातिर तू बाबू वो तो पहले ही मेरा गला रह कर दी मैं कुकर बताऊं था ना जदे तो मैं कहूं था कि मैं तो नहीं ब्याह कौन करना पहले ये बात बता दे यार तो मन तो ये दिन कौन देखने पड़ा रहे ना मेरी छोरी देखने पड़ा इसकी बेटी है इस तो पूछ के देख इसके क्या गुजर रही है और तन्ने कुकर बताऊं क्या तन्ने मेरा कलामू करवा दिया बाबू मैं क्या करूं बताओ मैं कड़ियां जोगा कौन बचा अरे बचपन के हमें तो यार दोस्त थे हंसे खेले गाले करते पूरे दुनिया कौन राख रखी उन्होंने घर तो बार काट दे जब मेरी औलाद है तो और वो बुढ़िया जो तेरे के लिए आ रही है ना उन्हें घर न राख अपना घर बसाले टंगते ना तो कितने ध्यान का नहीं छोड़ूंगा बाबू तुम्हें बताई मैं क्या करूँ करना कैसे कौन सेवा इसका जो उसमें जी राजी है नहीं तो मैं मेरी ले जाऊंगा चौधरी चौधरी साहब किसी बात करे तेरी तो आड़े रहेगी मैं जीऊंगा इतने बाद में देखी जाएगी नहीं तो फिर मानना चाहते नहीं मानना क्यों नहीं ना मानना तो माँ बाप मर गए तेरे खातिर हमने उस टाइम हमारे औलादे को नहीं हुई ना बाबू न्यू ना बोले मेरा थारा बिना है कौन बता बेटा सुन मेरी बात असली अंदांगनी वो है जो दुख सुख में साथ दे और दोनों अनपचास की देख ले दांत तेरे कौन सी काम आओगी फिर मान जी बाबू ने ठीक है बाबू मान लिया तो पिताली नहीं पिताली से उसने रख ली कोई बात को नहीं चौधरी साहब आप चिंता ना करो बेटा मैंने बात कही समझ गया ना थोड़ा मैं घनी समझ जाइए दोनों ने बिचास ले एक एक न करकी देखा इतना कौन सा साथ दे है ठीक है हाँ आज जल्दी पे लियो एक काम करिए ठीक है बाबू मैं चल लू और थमाओ पीछे अन्य तरीका बताऊ उन्हें कहते 10 लाख रुपया जरूर समने अनु घाटा लग गया और देखा इतना कौन सी के है फिर ठीक है हाँ जब इन्हें योनाद चाहिए थी तो मेरी जिंदगी क्यों खराब करी तेरी क्या जिंदगी खराब कर दी आज तक टच करी है मैंने तू है क्या जिंदगी खराब कर दी तू मेरी खुशी में सिर्फ सरी कौन लाग रही है समाज ने तो नहीं पता इन चीज़ का समाज ने तू देख ईब तने मैं देखा जिस टाइम मैं न्यू को ना पुलिस स्टेशन में मेरी FIR कटा देंगे उस टाइम तने नहीं सोची समाज की अपना बैग था और चलती बना देते सही कहे बाबू ना मिठाई बगाऊंगा बार तना आज हकीकत दिखा दी ना तो मैंने बेरे को नहीं पटाया अरे बेटा तू समझ से क्या दौड़े बाल नहीं थोड़ी हो रहे हमने खानदानी बालक से ठीक है अगर यो ना फिर मेरे इस घर मकाम ही किया चली जाऊंगी मैं देख कविता जिंदगी में कभी खुश नहीं रहूंगा कोई बात नहीं मैं खुश रहूं या दुखी रहूं जान दे मैं रे भाई सी देखी बस कर कविता पट्टी उतरी होगी बेटा गलती मेरी थी ये कदम नहीं उठाना चाहिए था तुमने बाबू मैं क्या करूं मैं उड़ा रही करता अरे इससे बात का तो डर लागे था मैंने और तेरा रिश्ता क्यों करूं था मैं जल्दी यार तेरा तो बचपन में कर दिया था हमने भाई कोई बात नहीं बाबू गलती होगी और मेरी आंखा पर जो पट्टी पड़ रही थी वह भी खत्म होगी
ठीक है मन को नहीं बेरा था या मेरे सुख सुख की साझेदार है दुख में या एक घड़ी भी मेरा गला को नहीं रह सके। भाई भगवान जोड़ा बना की भेज ऊपर थे सुन गया बात जो अपनी जो सगी होगी ने वह साथ देगी उठाई गिरी होगी वो साथ कौन दे वे? वो तो खाने की हुए इतने मिलेगा इतने खाओगे कि फिर आपके पार जागी। ठीक है बाबू गलती होगी थाम बैठो और बबीता मेरे तो गलती होगी बहुत बड़ी जो मैं तने बीच रास्ता छोड़ दिया अपना स्वार्थ खातर। कोई नहीं बेटा रो नहीं गा रहूं तेरा मैं तेरे खुशी के दिन आ गए खूब महसूस रहो और बढ़िया हलवा अपना खावा सारे बैठ की। ठीक है मैंने माफ कर दे बबीता है बस माफी मांगने की कोई जरूरत कोनी आपका कोई दोष कोनी इसमें जो मेरी किस्मत में लिखा था वो तो हो गया अब मेरे अच्छे दिन आ गए तो मैं क्यों रो ना बेटा बस ठीक है मैं रोऊंगा खुशी हो रहा बस बस तू रो मेरे बेटा। अरे भाई चलो वो कह दियो हलवा और खाओ सारे ठीक है बना ले हलवा बना हम तो दो दिन रुक जाओ चार दिन रुक जाओ बेटा ध्यान रखना पड़ी आप पूरा। हाँ बाबू मैं आगे तो बर्दाश्त नहीं करूंगा बेटा कोई गलती कर दी तो देख ले। ठीक है बाबू देवी जैसी बुआ आ रही तेरे ठीक है बाबू गलती होगी चल तो शाम बैठक में बैठा बालकान बोलने बतला दे।